Good morning, one and all. Today I am going to start a new prose, that is Description of a Quack Doctor by Daniel Defoe. So this is the most demanded lecture, and this will be a bilingual lecture for the better understanding of my students especially. And this is a very interesting prose. I simply enjoyed it, and I hope you will also enjoy it. And it is of Daniel Defoe. So let's have a small introduction of Daniel Defoe. So Daniel Defoe's time period was 1660 to 1731, and he was an English trader, writer, journalist, pamphleteer, and spy. Most famous for his Robinson Crusoe. So Defoe is noted for being one of the earliest proponents of the novel, and he has helped to popularize the form in Britain with others such as Samuel Richardson, and is amongst the founder of English novel. So Daniel Defoe, अगर डैनियल डिफॉय का नाम आता है तो आपको अपने बचपन की एक बुक याद आती होगी, एक कुछ एक्सट्रैक्ट याद आ जाता होगा, एक चैप्टर याद आता होगा, या कोई बुक याद आती होगी, तो वो बुक होगी रॉबिन्सन क्रूसो. तो रिलेट किया जाता है इनका नाम ब्रिटिश की नावल से, ब्रिटिश की नावल अर्लीस्ट नावल राइटर्स के रूप में इनको आप जानते हैं. सैमुअल रिचर्डसन के साथ आप इनका नाम एसोसिएट करते हैं और जानते हैं. और रॉबिन्सन क्रूसो को कौन नहीं जानता. ही वॉज़ अ फेमस पॉलीफेलिक एंड वर्सेटाइल राइटर प्रोड्यूसिंग मोर देन 500 बुक्स, pamphlets and journals on various topic including politics, crime, religion, marriage, psychology and the other supernatural. He was also the pioneer of economic journalism. तो बहुत ही versatile सी personality, जिसमें इन्होंने सब कुछ लिख लिया, 500 books लिख दी, pamphlets लिखे, journal लिखे, various topics पर लिखे, politics पर लिखा, crime, religion, marriage, psychology and supernatural things पर भी लिखा इन्होंने. तो थोड़ा सा ये जानने वाली बात है कि डैनियल डिफॉय जो थे वो ऐसे कहते हैं कि पहले इनके नाम के आगे डिफॉय डी नहीं लगा हुआ था, तो इन्होंने जो है इसको बाद में ऐड किया. और ये पहले फॉय थे, एंड ही वाज एजुकेटेड एट रेफ जेम्स फिशर्स बोर्डिंग स्कूल इन पिक्सम लेन इन डॉकिंग सरे. हिज पेरेंट्स वॉज Presbyterians, dissenters, and around the age of 14 he attended a dissenting academy at Newington Greeks in London run by Charles Morton, and he is believed to have attended the Newington Green Unitarian Church. During this period the English government persecuted those who chose to worship outside the Church of England. So he also entered the world of business and general merchant, dealing with different types of hosiery, etc. So there are various shades of him. So we should proceed with the actual prose. But before that, I would like to tell you the meaning of these two words, description of a quack doctor. These two words, description and quack. Descriptions kya hota hai? Description kya matlab hota hai? Description matlab detail. Detail of something. And quack kya hota hai? Quack ka matlab hota hai फ्रॉडुलेंट, मतलब जो फ्रॉड होते हैं. फ्रॉड डॉक्टर्स, स्पेशली डॉक्टर्स के बारे में बात हो रही, मेडिकल फील्ड के जो फ्रॉड्स होते हैं उनके बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे बात होगी आपकी थोड़ी सी नीम हकीम वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पहचानते हो, जिनको कहते हैं हम झोला छाप डॉक्टर्स, ये उनके बारे में बात हो रही है और उनकी पर्सनालिटी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है और वो कैसे कैसे और क्या क्या करते हैं, जिसको देख करके हमारा जो ऑथर है, जो नरेटर है, बहुत अम्यूज़ हो गया है और बहुत ही परेशान भी हो गया है इनको देख करके. बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज है कि क्या हो क्या रहा है. तो ये उसके बारे में है. तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. मिस्टर मिस्ट पासिंग ओकेजनली द अदर डे थ्रू अ लिटिल विलेज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम टाउन. मिस्टर मिस्ट के बारे में बात होती है कि वो पास कर रहे थे ओकेजनली द अदर डे थ्रू आर लिटिल विलेज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन. आई वॉज एंटरटेन्ड विद द व्यू ऑफ अ वेरी हैंडसम एक्विपेज मूविंग टूवर्ड्स मी. द ग्रेविटी ऑफ द जेंटलमैन हु सैट इन इट एंड द ईगरनेस वेयर विद द कोच मैन ड्रोव अलोंग एंगेज माई होल अटेंशन. मैं पास हो रहा थे मिस्टर मिस्ट जो थे पास हो रहे थे एक दिन,
और उन्हें डिस्टेंस टाउन से, किसी दूर टाउन से, और उन्हें जो है एक ऐसी चीज़ दिखाई देती है, वो नरेटर अपनी बात कर रहा है कि एक ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो मेरा पूरा अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, और वो है एक एक्विपेज। एक्विपेज क्या होता है? कैरेज होता है जो हॉर्स और अटेंडेंस के साथ होता है, एक बग्गी टाइप की चीज़ जिसके आगे पीछे हॉर्स और अटेंडेंस भी चल रहे होते हैं, तो उससे वो अट्रैक्ट होते हैं। द ग्रेविटी ऑफ जेंटलमैन, और इनको ऐसा लगता है कि जो अंदर बैठा हुआ कोई बहुत महान बंदा होगा वो भी अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं। वेयर द कोचमैन ड्रोव अलोन, जो कोचमैन था वो अकेले ही चल रहा होता है, और एंगेज माय होल अटेंशन। तो अचानक से क्या होता है, इनको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई मिनिस्टर या स्टेट का मिनिस्टर या कोई बड़ी पोस्ट वाला बैठा होगा जो कहीं इंपॉर्टेंट अफेयर के लिए जा रहा होगा। They were not got about the middle of the place when making a full stand. The footman dissenting his station behind and making up abreast of his master gave us a very fine blast with a trumpet. और क्या होता है, ये जो कोचमैन होता है चला रहा होता है, ये एस्टिमेशन लगा ही रहे होते हैं नरेटर के, कौन है भाई, क्या है, कहाँ जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट आदमी जा रहा है। अचानक से बाहर निकलता है और भाई क्या करता है, वो बाहर निकल के एक ट्रम्पेट लेता है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ट्रम्पेट, आप देख लेंगे क्या है, अभी मैं पोस्ट कर दूँगी। तो आपको वो उठता है और वहाँ से एक ट्रम्पेट लेता है और एक मुनादी करते हुए, जैसे नहीं होता है सुनो सुनो वाली वो साउंड, जैसे अनाउंसमेंट वाला अनाउंसिंग साउंड होता है, उस वाले साउंड को बजाने लगता है, और ये बहुत ही सरप्राइज आते हैं। बहुत ही ह्यूमरस प्रोज है, पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, बहुत ही ईजी बढ़िया लैंग्वेज है, प्लस कुछ नए टर्म्स भी हैं लैंग्वेज के जो आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा इन टर्म्स से। तो मैंने मार्क भी किया, जैसे एक्यूपेज, आपको एक नया वर्ड मिल जाएगा आपके लेवल पे फर्स्ट ईयर के लिए, आपके लिए एक अच्छा वर्ड है कैरेज, अ कैरेज विथ हॉर्स एंड अटेंडेंस, जैसे आपको यहाँ पे वर्ड मिलेगा ग्रीमेस, और ग्रीमेस आपको वर्ड मिलेगा, और यहाँ पे आपको गेस्टिकुलेशन मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हाँ, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम ऑन डिस्कशन, लेट्स कम्प्लीट इट फर्स्ट। तो वो ये कहता है कि मुझे जो है अचानक से बड़ा शॉकिंग सा लगा, वो तो उठा और उठ करके उसने बड़ा ट्रम्पेट उठाया और बोलने लग गया, और उसने उसको अनाउंस करना शुरू कर दिया मीनिंग, और उस ऐसा लगा नहीं था कि ये ऐसा कुछ करेगा, मतलब वो बहुत अम्यूज़ हुए उसकी इस अगली हरकत पे, और उसने बहुत ज़्यादा ग्लिमेस का यूज़ किया, और वो अग्लिमेस क्या होता है, अगली एक्सप्रेशन ऑफ एंगर डिसगस्ट टू शो समथिंग हर्टिंग यू, और उसने क्या किया अपनी हैंड और फेस के एक्सप्रेशन से, मतलब कहते हैं नहीं, बहुत ही लाउड एक्सप्रेशन से समझाने लग गया वो क्या कहना चाहता है, और उससे क्या हुआ, थोड़ा सा अम्यूजमेंट हो रहा था। और अब नरेटर ये देखना चाहता था कि ये जो मेटामॉर्फिसिस है, यानी स्टेट ऑफ चेंज है, जो बार बार फॉर्म ऑफ चेंज हो रहा है। मेटामॉर्फिस क्या होता है, जब एक जो इंसेक्ट होता है वो अपने वो उससे एक अपनी एग से निकल करके जब एक बटरफ्लाई बनता है या एक इंसेक्ट बनता है, तो उसकी जो स्टेज होती है उसको मेटामॉर्फिसिस कहते हैं। उस स्टेज को देखना चाहते हैं कि करना क्या चाह रहा है। I looked very earnestly first at the horse and then at the wheel. ये एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में भी आया हुआ है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। First at the horse and then at the wheels and expected every minute to have seen them take their turn in the farce. कह रहा था कि मैं मतलब कभी घोड़े को देखता था, कभी उसके अटेंडेंस को देखता, कभी व्हील को देखता था, ये सब क्या कर रहे हैं इस तमाशे में। फार्स क्या होता है, एक तरह का ढोंग होता है, एक तरह का तमाशा होता है, तो आर्टिफिशियलिटी से भरा हुआ। एंड लेइंग असाइड देयर प्रेजेंट अपीयरेंस अज्यूम अदर शेप्स बाय दिस टाइम, वो देखना चाहता है कि क्या क्या करेगा ये। The gentleman who had hitherto appeared wonderfully sedate and composed began to throw off his disguise, and having pocketed all his formal modesty and demureness and flushed his forehead with all the impudence of a through-packed quack. अब आया बाहर निकल कर एक ऐसा फ्रॉड, एक ऐसा नीम हकीम वाला डॉक्टर निकल के आया। आई इमीडिएटली डिस्कवर हिम टू बी वेरी एमिनेंट एंड लर्न्ड माउंट बैंक, और मैं देखते ही समझ गया कि ये कोई बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस का स्किल्ड बना हुआ फ्रॉड है,
यानी एक ऐसा कॉन्फिडेंट फ्रॉड। माउंट बैंक का मतलब होता है वो क्वैक डॉक्टर जो ट्रैवल करता रहता है और एक प्लेटफॉर्म से बात करता है, जैसे स्टेज पकड़ लेगा या एक महफिल सजा लेगा या ऐसे उन्हें नुक्कड़ नाटक होते हैं, नुक्कड़ वाले आते हैं, देखते हैं आप डॉक्टर कि आप ये दवा लीजिए, नीम हकीम जो होते हैं आप ये दवा लीजिए, अगर आप इसे दवा नहीं लेंगे, आपने बहुत देखे होंगे ऐसे डॉक्टर्स जो रोड पे कहीं पे भी बहुत ही एलैबोरेटेड फॉर्म में चल रहे होते हैं मगर एक्चुअली वो कुछ होते नहीं है, तो आप ये दवा लीजिए, अगर आप इसे दवा नहीं लेंगे तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, आपकी बॉडी में जर्म्स, जैसे कि मतलब बढ़ा चढ़ा के आपको पहले फील करा देंगे कि वो बहुत बड़े हैं, उन्हें बहुत क्वालिफिकेशन है उनकी, वो बहुत बड़े कहीं के वो हैं, सिद्ध महंत हैं, और उसके बाद वो आपको डर का बिजनेस करते हैं। तो बस वह यहाँ भी यही हो रहा है, वो खड़े होकर अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताने लगता है और उसकी अब उसका पिटारा खुलता है, वो अपनी क्वालिफिकेशन बताता है, अपने मेरिट्स बताता है, वो बताता है कि कितने नंबर्स लोगों को क्योर कर चुका है और कितना उसको इसका वो मिला है, इसका उसको प्राइज मिला है, कितना मेडल्स मिल चुके हैं, और ये बताता है कि कितना एक्सट्रीम डेंजर ऑफ बींग विदाउट हिज फिजिक, और कितना आप लोग गलत करेंगे अगर उसके आप उसकी दवाओं को नहीं लेंगे, उसकी मतलब हेल्थ एडवाइस को नहीं लेंगे, और वो आपको ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ करेगा कि आप बेच सकता है कि आप अमर हो जाएं, इतनी अच्छी, और आप चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं उसका प्राइस देखकर, यू हैड बर्स्ट योर साइट्स, कह रहा है कि आप रुहा सस के मर जाते, आपके बर्स्ट हो जाते साइट्स, ये एक तरह का यूज़ है, फ्रेज कर रहे हैं, मिस्ड हैड यू बट हर्ड द फुलिश एल्यूजन्स, और अगर आपने सुना होता कि किस किस तरह के फुलिश एल्यूजन्स, एल्यूजन्स क्या होता है, रेफरेंसेस फ्रॉम अदर वर्क, तो ऐसे ऐसे फुलिश एल्यूजन्स यूज़ कर रहा था, ऐसे क्वेंट्स यूज़ कर रहा था, ऐसे एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा था, ऐसे इनकंसिस्टेंट मेटाफर्स थे उसके कि आप सुनते जो पढ़े लिखे होते हैं वो दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं कि वो कितना बेवकूफ़ बना रहा था। फॉर माई पार्ट आई शुड हैव वंडर्ड वेयर ही कुड हैव रैंक्ड अप नॉनसेंस इनफ टू फर्निश आउट सच अ वर्डली हैरंग यू, कहता है कि अगर आप मैं तो समझ ही गया था उसका नॉनसेंस, लेकिन अगर आप होते तो आप भी हंसते हंसते पागल हो जाते, बट दैट आई एम टोल्ड दैट ही हैज स्टडीड द फ्लाइंग पोस्ट विद अ ग्रेट डील ऑफ एप्लीकेशन, और मुझे पता चला कि शायद उसने बहुत पढ़ाई लिखाई कर रखी है, एंड दैट मोस्ट ऑफ द सिली थिंग्स इन हिज स्पीच आर बोरोड फ्रॉम एक्सेलेंट ऑथर्स, और उससे ये कहा जा रहा था कि ये जो बहुत बड़ी बड़ी फालतू बातें कर रहे हैं ना, ये एक्सेलेंट ऑथर्स को कहते हैं, नहीं एक इंसान जिसको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो जिसके बारे में वो बात कर रहा है, एक ऐसा टीचर जो कहते हैं काका गागा भी अपने सब्जेक्ट का नहीं जानता और वो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें सिखा रहा है, तो कहते हैं मोस्ट कॉन्फिडेंट, तो वो कॉन्फिडेंट वे में गलत सलत बातें इधर उधर बता रहा है, सिली बातें बता रहा है, समटाइम्स ही गेट क्रीप इन द मोस्ट वल्गर फ्रेज इमेजिनेबल, कभी कभी तो ऐसे ऐसे फ्रेजेस देता था जैसे वल्गर फ्रेजेस जिसका कोई मतलब नहीं, लाउड एंड बाय ही सोर आउट ऑफ साइट एंड ट्रैवर्स द स्पेशियस रिल्म ऑफ फ्रस्टियंस एंड बॉम्बास्ट, कभी उसके शब्द फट के बाहर से मतलब बिल्कुल अटैकिंग सा मोड था, लाउड मोड था उसका, कि वो बोल रहा है इतनी बड़ी बड़ी बातें कि ये कर सकते हैं आप, वो कर सकते हैं और ये है होता है ये होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और एक्चुअली लग रहा था जैसे वो लैटिन और ग्रीक की बुक्स पढ़ के आया, पूरे खुदा जो कि खुदा ही जाने गॉड नोस कौन सी बुक्स थी, हैविंग अ वेरी स्लेंडर स्टॉक ऑफ दोज कमोडिटीज जिसका स्टॉक भी शायद अवेलेबल नहीं है, बट देन फॉर हार्ड वर्ड्स एंड टर्म्स विच नाइदर ही नॉर यू नॉर आई नॉर एनीबडी एल्स अंडरस्टैंड ही पोर्ड देम आउट इन एन अबंडेंस दैट यू हैड सॉन ही हैज सॉन he had been rehearsing something of the occult philosophy of Agrippa and Rosicrucius or reading a lecture out of Kabbalah. बहुत ही humorous बात कही उन्होंने, कहते ऐसी ऐसी बातें ना तुम समझ सकते थे, ना मैं समझ सकता था, ना कोई और समझ सकता था, ऐसी ऐसी बातें ढूंढ ढूंढ के लाया था, कहाँ कहाँ से लाया था, ऐसा लगता है उसने सारी philosophy of Agrippa पढ़ रखा है। Agrippa कौन थे? Former Roman consul थे, जो कि medical consul थे, मतलब एक बड़े डॉक्टर, एक बड़े समझ लो किसी ने रोम का एक बहुत पुराना हकीम समझ लो ऐसा, और रोजिक्रूसियस कौन थे? स्पिरिचुअल एंड कल्चरल मूवमेंट था रोजिक्रूस करके, उसका जो ओनर मतलब सारी स्पिरिचुअल बातें उसे आती थी, जैसे लग रहा था वहीं से लिख लिख के ला रहा है, सारी कल्चर बातें उसे पता थी, ऐसा मतलब कहते दिखावा कर रहा था, उसे जिस बारे में बोल रहा है उसका सबसे ज़्यादा ज्ञाता वही है, और ऐसा लग रहा था वो अपने लेक्चर्स को रीड कर रहा है कबाला से। कबाला क्या चीज़ है? कबाला जो है ना वो एंशंट ज्यूइश मिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल है, बाइबल का जो अच्छा वाला इंटरप्रिटेशन है ना, ज्यूइश इंटरप्रिटेशन जो रियल है, बिल्कुल मोस्ट
कहते हैं ना प्योर है, प्योरेस्ट है, तो उस वाले बाइबल से जैसे लग रहा था लेक्चर बना हुआ है, मतलब जो सबसे ओरिजिनल सोर्स है, क्राइस्ट जो है जीव थे और जीव की भाषा में जो भी लिखा होगा वो सबसे ओरिजिनल होगा, तो वो उस वाले से जैसे पढ़वा हो। आफ्टर डॉक्टर हैज़ गिवन सच एम्पल इंडिकेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटी स्किल्स एंड एरिडिक्शन, हू यू थिंक दैट वुड बी इंडिजिनस एज सो नॉट टू बिलीव हिम credulous not to believe him or so uncourteous as to refuse to purchase one of his packets. अब वो कह रहा है इतना ज़्यादा उसने समझा दिया लोगों को कि अब लोगों के लिए एक ज़रूरी चीज़ हो गई कि उसका जो पैकेट वो बेच रहा है दवाओं का वो खरीदना है। लेट्स एनी ऑफ अस हाउएवर शुड बी टू टेनियस ऑफ आर मनी टू पार्ट विद इट्स ओन कंसिडरेशन, ही हैज़ वन अदर मोटिव विच वी डिड नॉट फेल टू बिजनेस। अब वो बात तो कर रहा था लेकिन अब उसका मोटिव भी दिखने लगा, उसे बिजनेस करना था, बिजनेस। ही वॉज बाय परसुएटिंग अस दैट देयर विल बी, अब उसने लोगों को ये जताना शुरू कर दिया कि एक बीमारी चली है, एक बीज है, हम सब के अंदर होता है वो क्या है, बीमारी का बीज है, और वो बढ़ता जाता है, उसको उसकी बॉडी फैलती जाती है, और फिर उसका जो एक ही चीज़ हो जाती है उससे क्या होता है, नेचर में एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसको बचा सकती है, बस जो ये दवा है ना वही बचा सकती है, और उसमें सिर्फ मौत का खतरा है, तो ऐसी चीज़ों से लोग बहुत डर रहे हैं, और ऐसा कोई भी नहीं है जो मौत को मना कर दे, तो वो उसकी दवा को बिल्कुल नहीं मना कर रहे, बल्कि वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि अच्छा है भैया ना ऐसा कोई बड़ा डॉक्टर हमारे पास आ गया है जो कि इस छोटे से पैसे में हमें एक पैकेट दे रहा दवा की, चाहे वो पैसा कितना भी एक्सपेंसिव, चाहे वो कितनी भी फालतू दवा हो, जितनी भी नीम हकीम दवा हो, जितनी भी ढोला चाप दवा हो, लेकिन हम उसे खरीद लेंगे और हम बच जाएंगे। और वो ये भी बताता है कि ऐसा कोई माइका लाल नहीं है, मदर्स सन ऑफ अस वुड बी इन आर ग्रेव बाय द डे 12th मंथ। अगर वो बीज आपके अंदर है ही और वो आपकी कुदरत की तरफ से आपके अंदर बीज है, ऐसा वो बिलीव करा रहा है आपको, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो 21 साल के अंदर उससे बच सकेगा, वो सब मर जाएंगे। तो इसलिए सब लोग उसके एडवेंचर में आ गए, सब उसकी बात को समझ गए और बहुत खुश हैं कि चलो कम से कम दवा तो है उसकी। द सीन बींग नाउ रिमूव्ड, आई एट अ लेजर टू रिफ्लेक्ट ऑन वॉट हैज़ पास्ट एंड कुड रियली हैड आइदर क्राइड और लाफ्ड वेरी हार्टली एट वॉट आई हैज सीन, द एरोगेंस ऑफ द डॉक्टर एंड द सिलीनेंस ऑफ हिज पेशेंट। डॉक्टर का एरोगेंस, बिना कुछ जानता नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, काका गागा भी नहीं पता उसे, अपने घा भी नहीं पता उसे, अपने वर्क का जो वो कर रहा है, और वो इतने एरोगेंटली आपको ट्रीट कर रहा है, और लोग उससे बहुत पेशेंटली सिलीनेस के साथ डील कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वो भगवान मसीह है। वर ईच ऑफ देम रेडिकल्स इनफ टू हैव सेट अ पर्सन ऑफ मोर ग्रेविटी देन माई सेल्फ आर लाफिंग, बट देन टू कंसिडर द ट्रेजिकल इशू टू विच दीज थिंग्स टेंडेड एंड द फेटल इफेक्ट ऑफ मैनी मर्डरिंग मेडिसन्स माइट हैव ऑन सेवरल ऑफ इज मेजेस्टिक गुड सब्जेक्ट्स। वो कहता है यही तो वजह है कि जो मर्डरिंग मेडिसन्स हैं वो मार्केट में हैं, वो इस तरह से असर दिखाती हैं, क्योंकि आप सिलीनेस के साथ उनको ट्रीट करते, कॉशियस के साथ नहीं ट्रीट करते। वुड हैव मेड द मेरियस बफून अलाइव सीरियस। I have not often observed a more hale, robust crowd of people than that which encircled him, undoubtedly doctors. Methink one might have read health in this very traces, and there was not continence among them which did not give the lie to doctor's suggestion. देखो वो ये बोल रहे हैं, अब ये एक तरह से ह्यूमरस तरीके से बहुत सारी बातें कहेंगे, तो ये कह रहे हैं कि मैं उस दिन से पहले नहीं जानता था कि क्राउड इतना सिली भी हो सकता है और क्राउड ऐसा भी बिहेव कर सकता है। अब वो आगे बढ़ते, आए पर्पस इन अ लिटिल टाइम टू मेक अ सेकंड जर्नी टू दिस प्लेस इन ऑर्डर टू सी हाउ डॉक्टर। अब उसने कहा कि मैं कुछ दिनों बाद जो है प्रपोज्ड इन अ लिटिल टाइम कि मैं एक सेकंड जर्नी करता टाइम टू मेक अ सेकंड जर्नी टू दिस प्लेस इन ऑर्डर टू सी हाउ द डॉक्टर फिजिक्स हैज़ ऑपरेटेड, कैसे काम किया उन्होंने। बाय सर्चिंग द पैरिश रजिस्टर, पैरिश रजिस्टर वहाँ पड़ा हुआ था जिसमें सब लिखा हुआ था उनकी डिटेल्स, वहाँ पर उसने देखा, कंपेयर किया द नंबर ऑफ फ्यूनरल्स मेड वीकली बिफोर डॉक्टर्स विजिट विद दोज हु हैव फॉलोड इट। जो होने वाली मौतें थे डॉक्टर के आने के पास वो ज़्यादा थी, और जो पहले मौतें थी वो कम थी। इससे ही पता चल जाता है कि वो कितनी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, कितना बड़ा पर एनम कितना बड़ा काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं उनकी दवाएं लेकर के, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप लॉस देख सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट में कोई उसको पूछने वाला नहीं है। लोग उस पर विश्वास करके उसकी दवाई ले रहे हैं क्वैक डॉक्टर की, और कितना कंट्रीब्यूट करता है ये क्वैक डॉक्टर पुअर लोगों की जान लेने में, क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो तो शायद इस पर ध्यान भी ना दें, लेकिन पुअर लोगों की जान लेने में। और फिर यहाँ पर वो कहता है कि जो
क्वैक डॉक्टर्स हैं ना, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं डेथ के बजाय विलेन के और क्रिमिनल्स के। जो क्रिमिनल आपका पैसा चुरा लेते हैं, जो आपको मर्डर कर देते हैं, जो आपसे डिजीज करते हैं, वो सब इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितने कि ये क्वैक डॉक्टर, जिसके ऊपर किसी की नज़र भी नहीं पड़ती। क्योंकि आप एक मर्डर कर रहे हो और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, किंग एंड द क्वे विदाउट हैविंग क्वेश्चन आस्क, आपके पूछा भी नहीं जा रहा है, आप होल सेल मर्डर कर रहे हो और अपने बस दबाव पे, क्योंकि आपके लोग यकीन करें इसलिए मर्डर कर, तो आप उस पर तो यकीन करते नहीं हो लेकिन फिर भी आपका नुकसान हो जाता है। चोर चक्कों पे यकीन नहीं करते लेकिन फिर भी आपका नुकसान हो जाता है, लेकिन आप डॉक्टर पे भरोसा भी दे रहे हो, अपना फेथ अपना ट्रस्ट भी दे रहे हो, फिर भी आपका नुकसान हो रहा है। तो आपको ये हुआ, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं बिकॉज़ टाइम लिमिट एक्सीड कर जाती है अक्सर वीडियोस की और बोरिंग हो जाता है लेक्चर। बट फॉर द रिटर्न, और फिर वो ये कहता है कि अब एक डॉक्टर थॉर्नहिल के बारे में भी बात करता है, वो कहता है कि मैंने तो इनकी दवाओं को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चेक भी कर रखा है और मैंने चेक करके देखा है कि इनकी जो दवाएँ हैं उसका प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादातर पॉइजनस प्लांट होते हैं, मिनरल्स होते हैं जैसे आर्सेनिक्स होते हैं, वुल्फ का बेन होता है, मर्करी होती है, हेमलॉक एक तरह का पॉइजन होता है जो आपको पैरालाइज कर देता है, वो सब कुछ इसमें भरा होता है। और आपको, और वो ऐसा दावा करते हैं कि जैसे वो अपने मेडिकेशन से पहाड़ को हिला के रख देंगे, लेकिन एक्चुअली इसमें बहुत गंदे ड्रग्स होते हैं जो कि आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और इनको आप दवाओं को बेचते हैं कभी इलेक्ट्रोनाइट्स के नाम से, कभी पिल्स के नाम से, और कभी किसी दवा के नाम से, कभी ड्रग्स के नाम से आप बेचते हैं। वो कहता है रुको बताता हूँ इससे आगे तो क्या है, मैंने तो इन दवाओं को यूज़ भी किया है एनिमल्स पे, एनिमल का मतलब जैसे घर में चूहे मारने के लिए और किसी एनिमल को जैसे मच्छर मारने के लिए कोई दवा, तो एनिमल और इंसेक्ट्स को मारने के लिए भी मैंने इस्तेमाल किया। और फिर वो कहता है कि ये दवाएँ बहुत कारगर हैं, क्या करने के लिए क्या करने के लिए कारगर हैं, जानवर को मारने के लिए और उनको ख़त्म करने के लिए, एक तरह से पॉइजन का काम करती हैं, एंड देयर इज अ पॉइजन टू अ मिरेकल, एक जादुई पॉइजन की तरह आती हैं ये काम। अब आप समझ लो जो दवाएं इंसेक्ट मारने के और जानवरों को मारने के, एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके आप उन्हें मार सक रहे हैं उनसे, वो कितना बड़ा पॉइजन है, कितना बड़ा मिरेकल पॉइजन है। और आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसे खा रहे हो, मिस्टर मिस्ट जैसे डॉक्टर्स जो हैं आपको वो दवाएं दे रहे हैं और आप उन्हें खा रहे हो और अपने घर में भी रख रहे हो। जिन दवाओं को आप अपने घर में रख कर अपने घर को ट्रबलसम एनिमल्स से छुटकारा पा सकते हो, जैसे चूहे हो गए और आपके प्लेग फैलाने के लिए बहुत, जब ये थे ना जनरल डिफाई, तो उस टाइम जो है इंग्लैंड में बहुत बड़ा प्लेग भी आया था, तो ये उसी तरह से रेफरेंस है कि ये जो नीम हकीम लोग हैं, जो तमाशे वाले डॉक्टर्स हैं, जो फ्रॉडेंट्स हैं, ये क्या कर रहेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको परेशान कर रहे हैं, अपनी दवाओं को देकर आपको ख़त्म कर रहे हैं। और रीडर्स को ये कहता है कि ये बात दुनिया का सबसे पावरफुल क्राइम कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहते हैं इनको कि ये क्या कर रही है, अपने पेंडोरा बॉक्स से कोई ना कोई दवा निकाल लेते, कोई ना कोई रिपोर्ट निकाल लेते, कोई ना कोई पैकेट निकाल लेते, और लोगों को कहते हैं कि हम आपको बचा रहे उस सीड से जो आपको प्रिंसिपल डिजीज़ दे रही है, जो आपको बहुत आपके अंदर बीमारी ही पैदा हो रही है। आपने देखो ना डिटॉक्स करने की दवाएँ देते रहते हैं आजकल इंटरनेट पर, तो एक्चुअली हमारी बॉडी इतना अच्छा डिटॉक्स खुद ही करती है, हमें भगवान ने, हमें गॉड ने इतना अच्छा डिटॉक्स सिस्टम दिया है कि हमें किसी भी डिटॉक्स की ज़रूरत नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि कितना ख़तरनाक गेम खेल रहे हैं ये। और फिर वो माफ़ी मांगता है लास्ट में ह्यूमर एक सटायर के तरीके, और कहता है आई मस्ट आस्क योर पार्डन मिस्टर मिस्ट फॉर बीइंग सो ग्रेव ऑन सो लिडिशियस लिडिक्रिस आ सब्जेक्ट एंड स्पेंडिंग सो मैनी वर्ड्स अपॉन एन एम्प्टी क्वैक, और इतने सारे वर्ड्स मैंने एक एम्प्टी क्वैक यानी बेकार फ्रॉड पर खर्चा कर दिए, मिस्टर मिस्ट योर हम्बल सर्वेंट फिलीजी। और फिर अब लास्ट में अपना वो कहता है कि मैं आपका हम्बल सर्वेंट हूँ फिलीजी। तो आप ही समझ गए कि यहाँ पर एक तरह का सटायर है, वो कुछ कह नहीं रहे हैं, वो आपसे ये नहीं कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, एक तरह से सटायर है। वो बता रहे हैं कि कितना ज़ोर शोर से, कितना हंगामा मचा के, कितना वैसा करके इन्होंने शुरू किया था सब कुछ, और वो एक्चुअली फ्रॉड है और वो अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते, उस मेडिकल साइंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते जिसका वो क्लेम कर रहे हैं कि वो कितना हाई और कितना ज़्यादा और कितना सीक्रेट जानते हैं उसका। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ